हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेशन। यहाँ पे ये गिवन है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो जनरेशन है वो कुछ रूल्स के हिसाब से होता है। तो पहला रूल ये सेट किया गया है कि अगर यूनिट कंजम्पशन 200 यूनिट तक है तो आपका कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर यूनिट कंजम्पशन आपका 201 से 400 यूनिट तक है तो ₹6 पर यूनिट चार्ज होगा। अगर आपका जो कंजम्पशन है वो 401 से 600 यूनिट तक है तो ₹7 पर यूनिट आपको काउंट होगा। और अगर यूनिट कंजम्पशन आपका 601 एंड अबव है तो ₹8 पर यूनिट के हिसाब से आपका कंजम्पशन होगा। इसका मीनिंग ये भी है कि जो कैटेगरी डिवाइडेड है कि 200 यूनिट तक सबकी बिजली फ्री है, और अगर किसी ने 610 यूनिट कंज्यूम की है तो इसका मीनिंग क्या है कि उसको स्लैब वाइज ही चार्ज होगा। 201 से 400 तक उसको ₹6 ही चार्ज होंगे, 401 से 600 रुपये, 600 यूनिट तक उसको 7 यूनिट ही चार्ज होंगे, और जो लास्ट की 6 यूनिट्स है उसके लिए उसको ₹8 पर यूनिट चार्ज होगा। इसके अलावा ये कहा गया है कि हर बिल के साथ एक ₹220 का फिक्स चार्ज आएगा, और इसके ऊपर से जो भी टोटल बिल होगा उसमें 5% की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होगी, और आपको टोटल बिल कैलकुलेट करके बताना होगा। बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है। इसमें हम सबसे पहले जो टोटल कंजम्पशन की यूनिट है उसको टीसी मान लेते हैं। चार कैटेगरी में डिवाइडेड है, 1, 2, 3, 4। हम भी इसको चार कैटेगरी में, चार कंडीशन के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। अगर हमारा जो टीसी है वो लेस देन और इक्वल टू 200 है तो हमारा जो चार्ज है उसको, या जो बिल है उसको हम बी मान लेते हैं, बी इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। लेकिन अगर हमारा जो टीसी है वो 200 से माने 200 के आसपास नहीं है, 200 से ऊपर है, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये दूसरी वाली कैटेगरी है। तो हमें यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए कि अगर दूसरी कैटेगरी में वो है तो क्या टीसी ग्रेटर देन और इक्वल टू 201 है, एंड क्या टीसी लेस देन और इक्वल टू 400 है। हालांकि अगर आप पहली कंडीशन ना भी चेक करें तो चलेगा, क्योंकि जो फर्स्ट कहा गया है कि क्या टीसी लेस देन और इक्वल टू 200 है, तो नहीं, ये ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब कि ये बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो आप बस अब ये चेक कर लीजिए कि क्या टीसी लेस देन और इक्वल टू 200 है, तो आपको पहले कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर लेस देन और इक्वल टू 400 है तो जैसे फॉर मैं एक एग्जाम्पल अगर लूँ कि मान लीजिए कि मेरा जो यूनिट ऑफ कंजम्पशन 207 है, तो 207 है तो निश्चित रूप से 201 से ज्यादा है। तो 201 से ज्यादा कितने यूनिट ही हुए, 207 माइनस 201 तो केवल 6 ही आता है, लेकिन मैंने 7 यूनिट कंज्यूम किया, तो उसमें मुझे 1 ऐड भी करना पड़ेगा। तो अगर टीसी लेस देन और इक्वल टू 400 है तो टोटल यूनिट ऑफ कंजम्पशन हो गया हमारा टीसी माइनस 201 और प्लस 1, और इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है ₹6 का, और इसको बिल में सेट करना है। तो मेरा बिल इतना ही होगा। तीसरी कैटेगरी देखते हैं। तीसरी कैटेगरी मतलब एल्स में ही आएगा। अगर हमारा जो बिल है वो 200 से भी कम नहीं है, 400 से भी कम नहीं है, तो इसको निश्चित रूप से इससे बड़ा है। तो अगर इससे बड़ा है तो भी दो कैटेगरी बाकी, इसलिए हम दोनों कंडीशन अलग अलग लगाते हैं कि क्या टीसी जो हमारा है वो लेस देन और इक्वल टू 600 है। अगर टीसी लेस देन और इक्वल टू 600 है तो इसका मीनिंग क्या है कि वो 400 से तो बड़ा ही है, तो 400 यूनिट तक, मतलब 201 से लेके 400 यूनिट, मतलब कि 200 यूनिट्स जो हुई हमारी, उसका जो चार्ज हुआ वो ₹6 के हिसाब से तो होगा ही होगा। सो बिल इज इक्वल टू दिस मच। लेकिन इसके अलावा जो बढ़ी हुई यूनिट्स हैं, जो 400 से ऊपर वाली यूनिट्स है, उसमें ₹7 चार्ज होगा। देखिए लिखा हुआ है 400 से ऊपर वाली ₹7 के हिसाब से चार्ज होगा। बिल इज इक्वल टू जो अब तक आपने बिल फाइंड किया था उसमें ऐड कर लेते हैं टोटल कंजम्पशन माइनस जो स्लैब स्टार्ट हो रहा है वो 401 से स्टार्ट हो रहा है, माइनस 401 एन प्लस 1, दिस मल्टीप्लाइड विद ₹7। आई होप आपके समझ में आया होगा ये। लेकिन मान लीजिए कि ये बिल ना ही 200 से कम है, ना 400 से कम है, ना 600 से कम है, तो निश्चित रूप से ये बड़ा अमाउंट है, मतलब कि 600 यूनिट से भी ऊपर है। तो अगर ये 600 यूनिट से ऊपर है तो हम क्या करेंगे कि 200 यूनिट तक इसका चार्ज 0 हो गया, इसके ऊपर की जो 200 यूनिट्स है उस पर इसका चार्ज ₹6 हुआ, और प्लस इसके ऊपर जो 200 यूनिट मतलब 600 तक उसमें इसका ₹7 चार्ज हुआ, प्लस लेस नेक्स्ट जो यूनिट्स बची हुई है उसका जो चार्ज होगा वो ₹8 के हिसाब से होगा। सो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल यूनिट ऑफ कंजम्पशन है माइनस 600 कर देते हैं क्योंकि 601 कर देते हैं क्योंकि स्लैब यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और प्लस 1 कर देते हैं मल्टीप्लाइड विद 8 कर देते हैं,
क्योंकि 8 रुपीज के हिसाब से चार्ज होगा, और बिल में या जो ये अमाउंट हमने पहले फाइंड किया है इसमें ऐड कर देते हैं। इन कैलकुलेशन को करने के बाद अब हमें इस कैलकुलेशन को करने के बाद अब हमें फिक्स चार्ज को भी ऐड करना है इसमें। तो फिक्स चार्ज कैसे ऐड होगा, हमारा फिक्स चार्ज है 220 रुपीज। तो बिल इज इक्वल्स टू जो भी बिल का अमाउंट आपके पास आया 220 रुपीज कर दीजिए। फिर हमसे ये भी कहा गया है कि इसमें 5% की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगेगी। 5% की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का मतलब ये है कि बिल में जो टोटल अमाउंट आया है उसको हम 1.05 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5% मतलब 5/100 मतलब 0.05, तो 1 मतलब कि पूरा बिल और 0.05 मतलब कि 5% का टैक्स। आपको क्या करना है कि टोटल बिल में 1.05 का मल्टीप्लाई कर देना है, यही आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। आइए इसको कोड करते हैं। जो लॉजिक हमने अभी डिसाइड किया उसी के हिसाब से हम कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें यूनिट ऑफ कंजम्पशन टीसी यूजर से इनपुट करा लेते हैं और इसी के हिसाब से हमारी सारी कैलकुलेशंस होंगी। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा स्लैब देख लेते हैं कि अगर टीसी लेस देन और इक्वल टू 200 है तो जो टोटल बिल होगा वो 0 होगा, क्योंकि बिल हमारा 1.05 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो फ्लोटिंग में आ सकता है, इसलिए हम फ्लोट में ये वैल्यू ले लेते हैं टोटल बिल, या बी ले लेते हैं टोटल बिल, और बिल को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, इट इज इक्वल्स टू 0 इस केस में। लेकिन अगर टोटल यूनिट ऑफ कंजम्पशन हमारा 200 से कम या उसके इक्वल नहीं है तो निश्चित रूप से इससे ज्यादा है, तो एक कंडीशन और चेक कर लेते हैं कि क्या टोटल यूनिट ऑफ जो कंजम्पशन हमारा है वो लेस देन और इक्वल टू 400 है। अगर लेस देन और इक्वल टू 400 है तो हमारा ये सेकेंड कैटेगरी में मतलब 6 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से हम कैलकुलेशंस करेंगे। आपको पता है कि 200 यूनिट तक तो बिजली फ्री है, इसके बाद टोटल यूनिट ऑफ कंजम्पशन के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो टोटल यूनिट ऑफ कंजम्पशन माइनस 201 एंड देन प्लस 1, दिस मल्टीप्लाई विद 6 हमारा ये बिल हो गया। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो 400 से ज्यादा है, तो 400 से जाना है जो ज्यादा है तो हम देखते हैं कि क्या थर्ड वाली कैटेगरी में लाई करता है, क्या टीसी इज लेस देन और इक्वल टू 600। अगर ऐसा है तो हमारा जो कैलकुलेशन है पहले 200 यूनिट्स के लिए फ्री, नेक्स्ट 200 यूनिट्स के लिए 6 रुपीज पर यूनिट चार्ज होगा, और उसके बाद जो बची हुई यूनिट्स हैं उसके लिए जो चार्ज होगा वो 7 रुपीज पर यूनिट चार्ज होगा। तो टीसी माइनस 401 प्लस 1 एंड देन मल्टीप्लाई विद 7, और जो बिल आपने पहले से फाइंड किया था उसमें इसको ऐड कर दीजिए। आई होप ये क्लियर है। और इसका हेल्थ का ये मतलब है कि ना ही बिल हमारा 200 से कम है, ना 400 से, ना 600 से, तो 600 से ज्यादा है हमारी यूनिट्स। तो अगर ये 600 से ज्यादा है तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन करें फिक्स चार्जेस की। चार्जेस कैसे हुआ, 200 यूनिट तक आपकी बिजली फ्री है, 201 से 400 6 रुपीज पर यूनिट, नेक्स्ट 200 यूनिट्स जो है उसका 7 रुपीज पर यूनिट चार्ज है, बची हुई जो यूनिट्स पर आपकी बची इसका मतलब है कि टीसी माइनस 601 प्लस 1, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 रुपीज पर यूनिट का, और जो अप टू 600 यूनिट्स थी उसको इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये हमने बिल कैलकुलेट कर लिया। बिल को कैलकुलेट करने के बाद फिक्स चार्ज वाला हम कैलकुलेशन करते हैं। फिक्स चार्ज वाला कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे कि बी इज इक्वल टू बी प्लस 220 रुपये का फिक्स चार्ज सभी पे लगेगा। बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल बिल, इस पर एक टैक्स लगेगा। टैक्स कैसे लगेगा, ये जो अमाउंट हमारे पास आ रहा है इसमें हम 1.05 का मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनली जो टोटल बिल है उसको प्रिंट कर देंगे। सो टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल
इसको हम प्रिंट कर देते हैं। उसमें एक्चुअली छोटी सी गलती हो गई है। वही गलती ये है कि हमने यहाँ पे बिल में 2 बार 220 रुपए ऐड कर दिए, तो आप प्लीज इसको हटा दीजिएगा। तो मान लेते हैं कि मेरा यूनिट ऑफ कंजम्पशन 200 है, तो केवल 220 रुपए और प्लस 5% का टैक्स 231 रुपये मेरा बिल आया। और टेस्ट केस लेते हैं इसमें, लेट्स से मेरा यूनिट ऑफ कंजम्पशन 451 है, तो इसमें कैसे कैलकुलेशन होगा? पहले 51 यूनिट्स का, फिर 200 यूनिट का 6 रुपए के हिसाब से, एंड देन जो प्रीवियस या सबसे पहले 200 यूनिट्स है वो फ्री है। तो हमारा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 1865.85 हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल है। ये कैलकुलेशन सही है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूनिट ऑफ कंजम्पशन हम ले लेते हैं 980, तो बिल इज 6153। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।